हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज है वो ये है रेल मदद ऐप के बारे में। तो ये एक्चुअली रेलवे मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है मदद ऐप, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है मदद ऐप वगैरह के बारे में। मदद की फुल फॉर्म वो है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। मतलब जब भी हम रेल में ट्रेवल करते हैं उस दौरान हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो अगर हमें कोई भी कंप्लेन वगैरह दर्ज करवानी हो तो हम इस मदद एप्लीकेशन की हेल्प से गवर्नमेंट के पास, जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके पास हम कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद उसकी उचित एक्शंस वगैरह ली जाएगी और हमारे पास जो भी उसके बारे में कंप्लेन नंबर वगैरह है वो हमें मैसेज वगैरह के थ्रू मिल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव चला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा बोल सकते हो आप कि गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को प्रमोट करिए, उसी के तहत गवर्नमेंट ने मदद एप्लीकेशन बनाया है। इसके तहत कंप्लेन है वो भी रजिस्टर की जाएंगी और कंप्लेन का सोल्यूशन किया जाएगा। इसके साथ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स हेल्पलाइन सेफ्टी के लिए उनको भी फोकस किया जाएगा और इसी के साथ इसमें सफाई हुआ या फिर मैनेजमेंट हुआ रेलवे के अंदर, उन सब सारी चीज़ों को फोकस है वो किया जाएगा। मतलब ट्रेवलिंग के दौरान जो जो इश्यूज आते हैं उन सब से निपटने के लिए मदद एप्लीकेशन है यात्रियों के लिए, वो लॉन्च किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग एवं CEMS के बारे में। कंटेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि CEMS के जो सेंटर हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग वगैरह है वो दी जा रही है, तो उसके बारे में। बट हमारे लिए ये जो CEMS है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो CEMS है क्या वो हम देखते हैं। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था इस बार, काफ़ी टाइम हो गया उसको, एक्चुअली 2 साल हो गए हैं लगभग, ज़्यादा ही हो गया है। वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट चला था इसके अंदर एक्चुअली अब आपको पता है कि पोर्ट का डेवलपमेंट है वो करना है। अब सागरमाला प्रोजेक्ट में अगर गवर्नमेंट या शिपिंग जो मिनिस्ट्री है वो पोर्ट का डेवलपमेंट करना चाह रही है, तो ऑब्वियसली उसे पहले तो बच्चों को या जो भी यूथ है हमारी उसको ट्रेनिंग है वो देनी होगी। तो उस ट्रेनिंग देने के लिए जो CEMS सेंटर है वो बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है उसके लिए ऑब्वियसली यूथ की जरूरत है, नई स्किल और नए टैलेंट की, और उसी स्किल और टैलेंट को पाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा CEMS सेंटर है वो खोले गए। इन सेंटर पे होगा क्या, इन सेंटर पे जो यूथ है उसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं कि और इंडिया की यूथ यहाँ पे ट्रेनिंग करेगी, बाहर के जो सिंगापुर हुआ या फिर बांग्लादेश हुआ या फिर बाकी और कंट्रीज नेपाल वगैरह की, वो लोग भी यहाँ पे आके और वहाँ की यूथ भी यहाँ आके ट्रेनिंग वगैरह है वो ले सकती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो साउथ एशिया का एक मेन सेंटर हो जाएगा जो कि मैरीटाइम के बारे में जो भी स्किल वगैरह है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली शिपिंग मिनिस्ट्री है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है WHO के बारे में। देखो WHO ने भी रिसेंटली कहा है कि इंडिया ने मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है उस पर काफी अच्छे स्टेप हैं वो उठाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट होती क्या है। मेटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है मातृत्व मृत्यु दर। देखो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मातृत्व मृत्यु दर है वो पर लेग के ऊपर काउंट होती है। जैसे कि हम लिंगानुपात वगैरह चेक करते हैं, सेंसस वगैरह चेक करते हैं, तो वो मेनली 1000 पे काउंट होता है कि पर 1000 पे हमारा जो लिंगानुपात है वो 934 है, 950 वगैरह इस तरीके से। बट जो मातृत्व मृत्यु दर या जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो पर लेग के ऊपर काउंट होती है, मतलब 1 लाख वुमेन के ऊपर इसको काउंट हो किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, मतलब जन्म के जैसे कई बार डिलीवरी वगैरह होती है उसके बाद वुमन की डेथ है वो हो जाती है, माता की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में वो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट में काउंट है वो होती है। तो हमारे देश की जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा थी। देखा जाए तो 1990 के दशक में देखा जाए तो पर लेग की थी 556, मतलब 556 वुमेन थी उनकी डेथ हो जाती थी डिलीवरी के बाद, बच्चों के जन्म देने के बाद। तो ये काफ़ी ज़्यादा थी वर्ल्ड में, और इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप भी थे, WHO ने भी काफ़ी हेल्प वो इंडिया की थी। और इसी के तहत आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो लाए गए थे 2015 तक। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाए गए थे उसके तहत हमारे देश ने अप्रोक्सीमेट 70% जो रिडक्शन जो मातृत्व मृत्यु दर की रेट है उसको कम है वो किया है। तो इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल बता रहा है कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप है वो उठाए हैं। और आपको पता है कि 2015 के बाद में जो नए गोल चलाए गए हैं वो चलाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और अभी गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि भाई 2030 तक जो मातृत्व मृत्यु दर की रेट है इसको हम 70 से कम लेके आएंगे। मतलब अभी जो चल रही है वो है हम रिसेंटली हमारी 2016 की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 130 है। तो आपको ध्यान रखना है कि मातृत्व मृत्यु दर का जो टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट का वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सारा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कुछ बेसिक पॉइंट ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत टारगेट है वो क्या रखा गया है। तो हमारे देश का टारगेट है वो है 70, कि मतलब पर 1 लाख के ऊपर 70 वुमेन तक की डेथ है वो तो अभी तक इसमें काउंट है वो की जाएगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
इसी के साथ आपको दो पॉइंट और यहाँ पे वो बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो मातृत्व मृत्यु मोर्टेलिटी सॉरी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको कम करने के लिए दो स्कीम भी चलाई है मेनली, और भी काफी सारी स्कीम्स है, बट एक तो चलाई है JSS के जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसमें गवर्नमेंट वो फाइनेंशियल एड है या फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ एक चलाई है वो चलाई है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये भी आपको ध्यान रखने की इसलिए चलाए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है बेरिन कन्वेंशन 1886 के बारे में। तो देखो इस पे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है, जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ये किससे रिलेटेड है। बेरिन कन्वेंशन है वो स्विट्जरलैंड में साइन की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड में इसको साइन किया गया था 1886 में। ये मेनली जो भी कलाकार या आर्टिस्ट होते हैं उनके इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जैसे कि उनका कोई कॉपीराइट हो गया, उन्होंने कोई गाना कंपोज किया है तो उसके कॉपीराइट वगैरह को लेके, या फिर उन्होंने कोई भी नई चीज इनोवेट वगैरह किया, मतलब किसी भी तरह का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कॉपीराइट वगैरह हो गया या फिर इस तरीके के कोई और चीज है, उन सारी चीजों को जो टेगमार्क वगैरह होते हैं उन सबको काउंट करने के लिए ये बेरिन कन्वेंशन है वो है। तो आपको ये ध्यान रखना है इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया ने इसको साइन रेक्टिफाई है वो किया है, तो इसलिए ये चीज इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनको भी अपॉइंट है वो किया गया, तो नए विजिलेंस कमिश्नर है वो बनाए गए। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट ये बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो सबसे पहले आपको पॉइंट बताऊंगा वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो ये है कि संथानम कमेटी के विचार या संथानम कमेटी की एडवाइस के बाद एक्चुअली करप्शन से निपटने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसका निर्माण है वो किया गया था। अब इसमें कंपोजिशन में देखते हैं, इसके कंपोजिशन में सबसे पहले बात आती है कि इसके हेड कौन होते हैं। तो देखो इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसके बाद में इसमें दो विजिलेंस कमीशन और भी होते हैं, जिस तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन में होता है ना कि एक हेड इलेक्शन कमीशन होते हैं इसके साथ दो और कमीशन होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कि एक हेड इलेक्शन कमिश्नर सॉरी हेड विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और बाकी दो अन्य भी होते हैं, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब अपॉइंट कौन करता है, देखो अपॉइंट करने का काम है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट तो करते हैं, बट प्रेसिडेंट साहब को कोई ना कोई तो ऑब्वियसली एडवाइस वगैरह देगा, कोई ना कोई तो कमेटी चूज करके देगी कि भाई आप इनमें से ही चूज है वो कीजिए, तो ये काम किया जाता है कमेटी के द्वारा, सर्च कमेटी बोल सकते हो आप उस सर्च कमेटी के द्वारा। कौन है सर्च कमेटी में, सर्च कमेटी के मेंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन में फंसा सकती है। सबसे पहली बात यह है कि सर्च कमेटी में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, इसके साथ होम मिनिस्टर होते हैं और इसी के साथ लोकसभा के विपक्ष दल के नेता, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लोकसभा के विपक्ष दल के नेता होते हैं ना कि राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो जाता है। काम क्या है, काम ऑब्वियसली वही है कि हमारे देश में जो विजिलेंस है करप्शन वगैरह इन सबसे निपटने के लिए निगरानी वगैरह को फोकस करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्माण है वो किया गया था। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो स्टेचुरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्लीज आप उनका रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि देखो यूपीएससी का जो पेपर है वो काफी डायनेमिक हो गया आजकल, आपको पता है कि इस बार के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछे थे, काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ उनके ऊपर फोकस करते रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि बाकी और स्टूडेंट्स को भी इस चीज का फायदा है वो मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो 11वीं जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली मॉरिशस है वो होस्ट कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहली बात ये है। अब जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये एक्चुअली इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है ना उसकी हेल्प से मॉरिशस में आयोजित है वो की जा रही है। थीम इस बार की इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। काम क्या है इसका, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस यही है कि भाई हिंदी को पूरे वर्ल्ड के लेवल पे फोकस एक तरीके से मतलब सुर्खियों में लाया जा सके, सीधा सीधा मतलब इसका यह है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन है वो किया जाता है। सबसे पहले जो एक कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट की गई थी 1975 में नागपुर से। अब देखो यूपीएससी इस तरीके से इंडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगी यहाँ पे पूछना चाहिए तो कि क्या ये हर साल आयोजित की जाती है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 1975 में अगर स्टार्ट हुई है और अभी 11वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है 2018 में, तो ऑब्वियसली हर साल आयोजित नहीं हो रही है। तो इस तरीके से मैं यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उनको हमें चूज ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, काफी बारीकी से यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछती है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हर साल इसको होस्ट वगैरह वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है उसमें एक्चुअली छोटा सा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं थी, बट ये इंपॉर्टेंट था कि कोल ब्लॉक के बारे में, क्योंकि बार यूपीएससी कोल ब्लॉक के लोकेशन वगैरह पूछ लेती है। तो देउचा पश्चिमी कोल ब्लॉक है ये एक्चुअली, अब अभी आपको बता दूं कि पश्चिमी सॉरी एक सेकंड
तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, उसकी गवर्नमेंट को भी सौंप दिया गया है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहा था, तो अभी इसको ट्रांसफर है वो कर दिया गया है। तो हमारे लिए लोकेशन इंपोर्टेंट हो जाती है कि देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक है वो वेस्ट बंगाल में आता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है। तो ये भी यूपीएससी कुछ बेसिक फैक्ट वगैरह पूछ सकती है, हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना है। तो ये तो थी आज ही हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेल मदद ऐप, जो कि मेनली डिजिटल इंडिया के तहत रेलवे मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव था। काम इसका यह था कि रेलवे में जो भी यात्री ट्रेवल करते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको निपटाया जा सके और उनको उचित सॉल्यूशन से वो प्रोवाइड करवाए जाएं। इसके बाद में अगला था वो था CEMS के बारे में, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर है वो आते हैं। अब अगला इसमें था वो था WHO एंड MMR और इंडिया के बारे में, कि इंडिया ने मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसमें काफी सारे अच्छे स्टेप उठाए हैं, और इसीलिए 1990 के दशक से देखा जाए तो अभी तक 77% MMR है वो कम हो गई है, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स लाई है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान या फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना, जिसमें फाइनेंशियल एड है वो दी जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था बेर्न कन्वेंशन के बारे में, जो कोई भी कलाकार होता है उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट वगैरह हुआ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और इसको इंडिया ने साइन है वो किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया वो क्या था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, जो कि संथानम कमेटी की एडवाइस पे बनाया गया था। कंपोजिशन में हमने देखा था कि एक हेड कमिश्नर्स होते हैं, दो अन्य कमिश्नर्स होते हैं, अपॉइंट करने का काम है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और एक इसमें सिलेक्शन कमेटी या सर्च कमेटी होती है जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके साथ इसमें तीन मेंबर होते हैं टोटल, प्रधानमंत्री प्लस होम मिनिस्टर प्लस लोकसभा के विपक्ष दल के नेता। काम होता है ओबियसली विजिलेंस का, निगरानी वगैरह रखने का इसका काम है। इसके साथ ही हमने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि इस बार मॉरिशस में होस्ट की जा रही है। सबसे पहली जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में 1975 में नागपुर में होस्ट है वो की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है और कहा जाता है कि यह वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।